यूं तो स्टार किड्स काफी चर्चा में रहते हैं, कभी अपनी फैमिली के चलते तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते। लेकिन जब एक ही फैमिली के दो स्टार किड्स मिलते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे, या तो स्टार ब्रदर्स या फिर स्टार सिस्टर्स, जैसे सोनम कपूर और रिया कपूर, सलमान अरबाज, सोहेल खान, एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन इस लिस्ट में वो स्टार ब्रदर्स भी हैं जिनके प्यार के बीच से लेकर लड़ाई तक और ना जाने क्या क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर इनके फैंस तक ने देखा है। याद हो तो हाल ही में इन दोनों देओल ब्रदर्स के बीच कुछ डिस्प्यूट्स होने की खबरें भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आई थी। उस वक्त किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं थी कि आखिर इन दो सगे भाइयों के बीच ऐसा क्या हो गया है। लेकिन इस बात की जड़ जहाँ से फैलनी शुरू हुई थी, आज उसी बात को हम रखने वाले हैं आपके सामने। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें इन दोनों भाइयों के बिहेवियर की, तो जहां सनी काफ़ी शांत नेचर के हैं, तो वहीं बॉबी अपने बोल्ड एटीट्यूड एंड हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। और दोनों भाई एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये बात तो आप और हम अच्छे से जानते ही हैं। दोनों भाई रियल और लाइफ में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। कभी एक लड़खड़ाता है तो दूसरा उसकी मदद करके उसको मंजिल की तरफ बढ़ने का हौसला देता है। आखिर ये रिश्ता भी तो सगे भाइयों का है। लेकिन हाल ही में जो खबर आई थी कि दोनों भाइयों के बीच कुछ अनबन चल रही थी, तो इस बात की शुरुआत कहां से हुई थी ये हम अब आपको बताते हैं। दरअसल ये किस्सा है सुपरहिट फिल्म करण अर्जुन का, जहां डायरेक्टर राकेश रोशन की पहली पसंद थे सनी देओल और बॉबी देओल। उन दिनों सनी अपने एंग्री यंग मैन वाले रोल्स के लिए जाने जाते थे और सनी देओल का करियर पीक पर था और बॉबी देओल उस वक्त नए नए ही बॉलीवुड में आए थे। आगे बताएं तो हुआ कुछ यूं कि जब राकेश रोशन ने सनी को अप्रोच किया और फिल्म की कहानी सुनाई, तो सनी उस वक्त तो मान गए फिल्म को करने के लिए। लेकिन तब तक राकेश ने सनी के कानों में ये बात नहीं डाली थी कि वो बॉबी को भी इस फिल्म के लिए अप्रोच करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही राकेश ने कहा कि सलमान खान वाला रोल यानी करण का रोल वो बॉबी को देना चाहते हैं, तो सनी देओल ने साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, सनी देओल ने खुद भी उस मूवी को बॉयकॉट कर दिया। माना जाता है कि राकेश रोशन का दिल था कि दोनों भाइयों को एक साथ फिल्माया जाए जिससे ऑडियंस भी खुद को फिल्म से कनेक्ट कर पाए। लेकिन क्योंकि सनी ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, तो इसीलिए बॉबी देओल को लेना राकेश रोशन ने ठीक नहीं समझा और ये फिल्म उसके बाद चली गई शाहरुख और सलमान की झोली में। आज भी कहा जाता है कि अगर ये फिल्म सनी देओल और बॉबी देओल ने उस समय कर ली होती, तो आज दोनों के भाइयों का फिल्मी सफर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, जैसा कि आजकल नहीं चल रहा है। अपने फेवरेट स्टार से जुड़ी ऐसी ही क्रिस्पी खबरों के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।